हेलो एवरीवन। सो आप सभी को पता है कि जो गेट का एग्ज़ाम है वो 5 फरवरी को है, स्पेसिफिकली फॉर कंप्यूटर साइंस। हमारे पास 1 वीक के बाद आपका एग्ज़ाम है और इस लास्ट 1 वीक के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा काफ़ी बार स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। उनके अंदर बहुत लेवल इस समय बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पहला कई बार लगता है कई लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, कई जगह पर एंग्जाइटी है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे कई बार क्या होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या फिर एंग्जाइटी है, इस पूरे टाइम पर ना आप ना तो आप फोकस कर पाएंगे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे, आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील लगेगा कि बहुत मोटिवेशन मुझे नहीं आ रही है और शायद मैं एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा एक रीज़न है जिससे बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो इस वीडियो के अंदर हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगा कि स्ट्रेस होता क्या है, या फिर ऐसे मैं बता पाऊँ कि मुझे स्ट्रेस है या फिर नहीं है। सो ऑब्वियसली अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, तो 99% बच्चों की के अंदर स्ट्रेस होगा ही होगा। ऐसा क्यों? देखो, दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। या तो वो जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं करी, उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसने बस बोला मूड दिखाया, मूड के लिए एग्ज़ाम देने चले गए, है ना, बस इसलिए वो चले गए, ठीक है, कोई प्रिपरेशन नहीं करी, कुछ सोचा नहीं, उसको ना तो उसको कोई स्ट्रेस होगा। और ना ही ऐसे बच्चों को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता जिसकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है, ही वाज़ लाइक आई एम सो कॉन्फिडेंट कि उसे कोई कमी नहीं है, राइट। और शायद मैं ऑर्डर रैंक 1 ही आऊँगा, इवन तो 1 भी आएगा वो भी उसके अंदर भी आपको स्ट्रेस होगा, ऑर्डर रैंक 1 होगा उसको भी स्ट्रेस होगा, राइट। बट कहने का मतलब उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तब भी उसको लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो जनरली अगर किसी बच्चे ने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी है तो ऑब्वियसली इट्स नेचुरल कि आपके अंदर स्ट्रेस होगा ही होगा, क्योंकि पूरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में पूरा 1 साल लगता है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, या उसकी प्रिपरेशन करने के लिए पूरा 1 साल लगता है। और पूरे साल की जो प्रिपरेशन आपने करी है, आपको लगेगा कि शायद लाइफ का एक पूरा साल मेरा वेस्ट हो जाएगा, या फिर कई बार लगता है कि शायद मुझे कमी लगी है, तो ऑब्वियसली ऐसा स्ट्रेस हो ही सकता है ना। तो इट्स अ रीज़न वाई हम लोग स्ट्रेस होंगे, ओके। उसके अलावा अब इस वीडियो के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप कैसे बता पाएँ कि आपके अंदर इस समय पर स्ट्रेस है, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि क्या हम उस केस में हम स्ट्रेस को डील कैसे करेंगे। तो वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन, आपको शायद बहुत अच्छा लगे। तो लेट अस स्टार्ट। जब आपके पास स्ट्रेस है तो कुछ सिम्टम्स हैं कि जिसमें बोल सकता हूँ कि आपको इस समय पर स्ट्रेस है। पहला ये कि आपके अंदर ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है काफ़ी लोगों में, और काफ़ी लोगों में जो ब्लड प्रेशर है उनके लिए कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इट्स नेचुरल, राइट। या फिर अगर आपके पास कई बार ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल यार पेन लगेगा बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर, राइट, है ना, सिर्फ नेक की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर पूरी बॉडी के अंदर आपको लगेगा नहीं चले कि पूरी बॉडी के अंदर पेन है बहुत ज़्यादा, ऐसा फील हो गया, राइट। तो वो भी एक रीज़न है, यहाँ से आप देख सकते हो शायद ये स्ट्रेस का रीज़न है, आप बता सकते हैं शायद यहाँ पर मैं स्ट्रेस पे हूँ। कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब उनको स्ट्रेस है तो उनके केस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचिंग आपको बहुत सारे पसीने आते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना, स्वेटिंग, राइट, आपके हाथों पे, पसीनों पे, है ना, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से आपको मतलब स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, वो भी एक सिम्टम्स है स्ट्रेस का। उसके अलावा अगर आपको कई बार क्या होता है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड फील करते हो, कहने का मतलब है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी उठ के और मैंने जाके अब सोचा कि आज मेरे को पढ़ने बैठा हूँ, लेकिन पढ़ने बैठा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने सबसे पहले रिविज़न बुक उठाई, है ना, लेकिन जब जैसे ही आपने खोलना शुरू किया, पढ़ने रिवीजन करना शुरू किया, तो लगा यार नहीं मुझे मॉक टेस्ट देना चाहिए था, तो डिसीज़न नहीं कर पा रहे। और जब आप वहाँ पर मॉक टेस्ट आप कर रहे हो तब मुझे लगता है नहीं यार मुझे डिवीज़न मतलब मुझे उस समय पर दोबारा से रिवीजन मुझे करना चाहिए था, या शायद मुझे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करना चाहिए था, यानी कि आप एक डिसीज़न आप नहीं कर पा रहे, एक सॉलिड आप डिसीजन आप नहीं बना पा रहे। तो जब आप स्ट्रेस में हो तो एक सिम्टम है उसका भी कि उसके अंदर हर चीज़ों में आप कंफ्यूज लग रहे हो, क्या मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, क्या मैं इसको पढ़ूं या ना पढ़ूं, क्या मैं इस समय पर कौन सी बुक को
पढ़ो ना पढ़ो या कुछ भी चीज़ें हैं, तो जहाँ पर आप एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते, वहाँ पर भी एक उस केस में भी होता है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। क्योंकि अब लगता है कि मेरी प्लेट में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे प्लेट में बहुत सारे खाना है, लेकिन मैं किसको खाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार आपको लगता है कि इस मोमेंट पे आपको बिल्कुल भी मोटिवेशन आपको लगती ही नहीं है। मेरे को लगता है कि शायद मैं इतना अच्छा हूँ ही नहीं कि एग्ज़ाम कर पाऊँ। मैंने तैयारी तो कर ली, और एंड मोमेंट पे जब मोटिवेशन नहीं होगी तो मेरे को लगेगा शायद मैं गेट एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगा, है ना यार। वो बाकी चीज़ें हैं ना, पहले जाके एग्ज़ाम तो दो पहले, आपको क्या पता शायद अच्छा निकल जाए, राइट। बच्चे क्या करेंगे इस समय पर, इस मोमेंट पे बच्चे ने यहाँ पर मोटिवेशन इतनी डिसीजन मतलब इतनी कम हो जाती है, इतनी डिप्रेशन में हो जाता है बच्चा कि चाहे पूरे साल की तैयारी दी है लेकिन बाद में एंड मोमेंट पे गेट एग्ज़ाम को देने नहीं गया। जब देके नहीं गया तो पता कैसे चलेगा, वैसे मॉक टेस्ट दिए तो पता होना चाहिए ना, अब दोगे तो तभी पता चलेगा। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, करेक्ट। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि आपको यू नो जब सुबह आप रात को सोते हो और उसके बिल्कुल मन नहीं होता कि मैं उठ के दोबारा से और मैं कोई पढ़ाऊँ रिवाइज़ करूँ, सुबह उठने में बिल्कुल मन नहीं होता, बस लगा होता है आँखें से नींद भी नहीं आ रही है और बस सोचते रहते हो बैठे बैठे, है ना। वो भी एक सिम्टम है कि आप शायद स्ट्रेस पे हो। या कई बार बच्चों के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो जाती, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस बच्चे के अंदर देख के ना कुछ प्रॉब्लम, मतलब इन द सेंस मेरे कहने मतलब क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि नेल्स को देख कर, है ना, तो अपने दांतों के साथ बाइटिंग करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जैसे ऐसे शेकिंग करते हैं हाथ ऐसे, अगर उठे स्ट्रेस के चाक डर लगता है और ऐसे, है ना, तो बहुत हाथ जो है सीधे नहीं होते बिल्कुल ऐसे, मतलब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है उस तरीके से। या कई जगह पर दांतों से इस तरीके से भी कई बच्चा फील करता है। अगर ऐसे कुछ चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, यानी कि यस आप स्ट्रेस में हो। जब आप स्ट्रेस पे हो तो स्ट्रेस जो है एक नेचुरल है, ऐसा नहीं है ये होगा ही होगा। वैसे गेट एग्ज़ाम इतना लेंदी है तो लग सकता है कि वहाँ पर आपको स्ट्रेस होगा ही होगा, वैसे इस नेचुरल, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं, इस ये बुरी चीज़ नहीं है, होता है। अगर प्रिपरेशन करनी है तो स्ट्रेस होगा ही होगा, लेकिन हमें उस स्ट्रेस को हैंडल करना है। और तभी अगर आप उस स्ट्रेस को निकालोगे तभी जब अच्छा रैंक आप लेकर आ पाओगे। अगर आप स्ट्रेस नहीं करोगे तब आपका, अगर स्ट्रेस में होगे तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा, है ना। तो अगर अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए स्ट्रेस से आपको निकालना होगा। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर इस और डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, इतनी चीज़ें आपको साथ क्लियर हो। अब कई बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चा एक्चुअल में स्ट्रेस में आता क्यों है। पहला तो ये रीज़न था, देखो पहले मैंने आपको बताया था, बिगनिंग मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेस का साइंस क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेस होता क्यों है। कई सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला, आपको लगता है कि मेरे को डर लगता है कि मैं फेल ना हो जाऊं, या फिर कई बार ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली के अंदर प्रेशर हो जाता है कि फैमिली ने बहुत मेहनत करी है, उन्हें पैसे दी है, पे किया है, मैंने पूरे साल की तैयारी करी है, अपने फैमिली की वजह से भी आपको कई बार स्ट्रेस हो जाता है। किसी एग्ज़ाम के अंदर अच्छा करने के की स्ट्रेस करता है। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले से टारगेट लेके बोला हुआ है कि मैं ओल्ड रैंक वन लेके जाना है, लेकिन जब उसका टारगेट है कि ओल्ड वन पे जाना है, लेकिन उसके लिए इतना स्ट्रेस में पड़ जाते हो कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे, तो उस केस में आपको ये देखना है उस समय पर भी कि मैं, मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि मैं कितना अच्छा कर पाऊँ, अपने लिए कोशिश करना हो अच्छे से अच्छा लेने का, ना कि ये कि सिर्फ मैं टारगेट सिर्फ ओल्ड रैंक वन ही है। और वैसे शायद कि इंडिया में सिर्फ एक ही बच्चा ओल्ड रैंक वन लेके आएगा, दो तो नहीं आएंगे, है ना, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है, राइट। और कई बार क्या होता है, एक रीज़न ये भी होता है कि बच्चों को अपना जो रिज़ल्ट है ना वो मतलब वो बेसिकली कंसनट्रेन नहीं होता। मतलब कई बार बच्चों को ऐसा लगता है इस वजह से कई बार कि मतलब आपने जो मॉक टेस्ट अब आपने नहीं दिए हैं तो आपको नहीं पता कि मैं रिज़ल्ट कैसे आना होगा। तो अच्छा तभी होगा जब मॉक टेस्ट आप देंगे, तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा हम सभी के बीच में जो स्ट्रेस है वो हो सकता है, लेकिन उस स्ट्रेस को निकालने का तरीके क्या है। वैसे अगर स्ट्रेस होगा तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, कैसे उसको बेटर फील करेंगे हम लोग। सबसे पहला ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम कैसा है, आपकी प्रिपरेशन के बारे में, यू शुड नो व्हाट इज़ योर एग्ज़ाम। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप प्रिपरेशन से पहले आपको थोड़ा सा एक आइडिया होगा किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो एक सिंपल आपको सिंपल आइडिया मिल जाएगा कि कैसा एग्ज़ाम होगा, राइट। आपके पता होना चाहिए आपके जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक है कि नहीं है।
हमेशा अच्छे होने की कोशिश करो, ना कि एक ही मिडिल रैंक वन ही लेकर आना है, राइट। आपका कोशिश होना चाहिए जितना अच्छा हो सके, मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूँगा, है ना। लेकिन उसकी तरफ से ये नहीं टारगेट नहीं लेना किसी चीज़ को लेने के लिए, ठीक। सो यू शुड नो योर बॉडी प्रॉपरली, आपकी बॉडी जो है आपको पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी कैसी है। तो आपकी बॉडी में आपको पता होना चाहिए कि क्या, अगर स्ट्रेस में हो तो बॉडी में कैसा फील करता है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे बेसिकली कई बार जो होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जब वो प्रिपरेशन करते हैं, है ना, स्ट्रेस में क्या करते हैं, हर थोड़ी थोड़ी टाइम में उनको चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। बच्चा आएगा लास्ट मोमेंट पर जाके, मतलब हर एक घंटा दो घंटे के बाद दोबारा से एक चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, या फिर वो कुछ बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश करेगा। या तो बच्चे ऐसे हैं या तो बिल्कुल ही कम खा रहे हैं, खाना बिल्कुल बंद जाता है, भूख बिल्कुल आई नहीं रही है, और कुछ बच्चों के साथ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वो खा रहे हैं। तो उसका एक बैलेंस होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो उस केस में अपना जो शुगर इंटेक है उसको भी कम से कम रखना चाहिए, दैट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज एक हमारा हार्मोन होता है बॉडी के अंदर जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, राइट। तो जब आप बहुत ज़्यादा शुगर लेते हो तो शुगर लेने की वजह से आपके पास एक स्ट्रेस का स्पाइक होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उस समय पर कई बार आपको बेटर है कि जब आप कुछ खाना खाएंगे तो यू शुड जो लाइट खाना खाओ तो बहुत बेटर रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी की जगह पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने की वजह से क्या होगा, या तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे या फिर आपको बिल्कुल नींद आ जाएगी। तो उस केस में आपको जो खाना है वो अच्छा हो, हाई प्रोटीन खाना आप यूज़ करो, हैवी नहीं होना चाहिए। आप एग्स यूज़ कर सकते हो, पीनट्स आप यूज़ कर सकते हो, ओट्स आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा जो फ्रूट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ़ यू। अब उसके अंदर स्पेसिफिकली ऐसा खाना यूज़ करो, ऐसे फ्रूट्स आप लो जहाँ पर आपके पास विटामिन सी बढ़ता है, तो जिससे आपके अंदर स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है इस वजह से। दूसरी चीज़ आपको करनी है कि हर दिन आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे तो सबसे बेटर काम है कि आपको वॉक पर जाओ, एटलीस्ट हाफ एन आवर टू वन आवर। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा धीरे, आप बहुत बेटर फील करोगे, आपके अंदर मूड जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो डेली आपको ना एक्सरसाइज करने जाना है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि जिम पर जाके बहुत ज़्यादा आप इस तरीके से वर्कआउट कर रहे हो, है ना, क्योंकि उससे क्या होगा कि बहुत एक्सरसाइज करने की वजह से बॉडी पेन होगा, आप फोकस नहीं कर पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। बेटर ये है कि एटलीस्ट इस मोमेंट पे, लास्ट 10 दिन बचे हुए हैं या एक हफ्ता बचा हुआ है, तो इस समय पर आप वॉक पर जाओ, लाइट वॉक पर जाओ, एटलीस्ट हाफ एन आवर टू वन आवर। क्योंकि कई बार अगर आपको नींद नहीं है, अगर आप एग्ज़ाम करते करते ना, कई बार स्ट्रेस के केस में बच्चों को नींद आती ही नहीं है कई बार, है ना, स्ट्रेस के डर की वजह से, और स्ट्रेस नींद नहीं आ रही तो उस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। बेटर है कि आधे घंटे से एक घंटे जब वॉक पे जाओगे ना रात को, अच्छे से प्रॉपरली आपको नींद भी आएगी, कल सुबह उठ के फ्रेश रहोगे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे, मूड जो है वो पहले से बहुत बेटर रहेगा। तो उसके लिए एक्सरसाइज करना डेली ज़रूरी है। तीसरा ये है कि अपने अंदर पानी जो है उसको लो, बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब आप पानी अगर आप कम यूज़ कर रहे हो तो कम ना वाटर क्वांटिटी अगर कम है उस समय पर, तो आपको गला जो है बिल्कुल ना सूखा रहेगा, और उस वजह से कई बार अपने आप को लगता है, पर्सनली लगता हो जाता है कि यार स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, कि बॉडी जो हैप्पी नहीं है ना उस समय पर। बॉडी हैप्पी होगी तभी तो आप हेल्दी रहोगे, है ना। तो ये चीज़ रखनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हर दिन कम से कम आधा घंटा जो है आपको धूप पर जाना ही जाना है, क्योंकि धूप में क्या होता है कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारे पास निकलते हैं। जैसे जब धूप पर जाओगे तो सेरोटोनिन एक हार्मोन है जिसकी वजह से आपकी बूढ़ी जो आपके अंदर जो एक हैप्पीनेस वाली जो फील है वो आपको फील करता है, और जो स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से कम हो जाएगा। तो एटलीस्ट आधा घंटा तो धूप पर जाना ही जाना है, चाहे वहाँ पर बैठ के पढ़ाई करो या वहाँ पर जाके वॉक कर लो, वट एवर यू फील लाइक, बट जो धूप पर आप जाते हो एटलीस्ट फॉर एग्जाम्पल सर्दियों में, राइट, बिकॉज गेट का जो एग्ज़ाम है वो फेब्रवरी में होता है, स्पेसिफिकली जो बच्चे नॉर्थ में हैं तो वहाँ पर सर्दियों में बच्चे को धूप पे जाओगे तो आपको बहुत बेटर फील रहेगा। तो दैट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो दैट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। नेक्स्ट, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, जैसे टाइम मैनेजमेंट को पहले से ही मैनेज करो, अगला एक हफ्ता अपने आप को प्रॉपरली मैनेज करो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। शॉर्ट शॉर्ट नोट्स को आप यूज़ कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लास्ट एग्ज़ाम पे आपको एग्ज़ाम जाने से पहले रिवीजन करनी है तो शॉर्ट नोट्स ही यूज़ हो ताकि एग्ज़ाम से पहले उसको रिवाइज़ कर पाऊँ। तो दैट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ़ यू, ओके। उसके अलावा अपने आप को हमेशा पॉजिटिव मूड पे रहना है,
क्योंकि अगर आप वहाँ पर पॉजिटिव नहीं होंगे, नेगेटिव लगोगे, तो नेगेटिव में आपको स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन पॉजिटिव होने से आपको लाइफ जो है आपकी बहुत बेटर हो जाएगी। और आपको अपने आप को हमेशा ध्यान रखना कि आपको शायद मुझे 100% पे आप परफेक्शन जो है हमेशा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या होता है परफेक्शन लेने के लिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चा जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ता है परफेक्शन लेने की वजह से शायद कई बार उससे ज़्यादा पढ़ लेते हैं, उसका बेनिफिट नहीं होगा, है ना। आपको हमेशा प्रोग्रेस की तरफ ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू परफेक्शन, तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और एटलीस्ट हर 2-3 दिनों में अपने आप को समझो अपने बारे में, नो यू शुड फेस योर सेल्फ कि मैं कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या मैं पॉजिटिव है, क्या मैं नेगेटिव है, इन चीज़ों को समझो और उसकी तरफ से अपनी प्रिपरेशन उसके हिसाब से प्लान करो। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो क्या कर सकते हो मैं फिर से आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले लाइट फूड यूज़ करो, और आपके पास जैसे आप जाने से पहले आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो स्ट्रेस है ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले पहले उन क्वेश्चंस को करो जो इजी है, जहाँ पर आपको लगता है स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस जो है वो हार्ड आ रहे हैं उसको बाद में करना, क्योंकि इजी करने से आपको चीज़ें इजी हो जाएगी। और अगर स्टार्टिंग में ही आपको क्वेश्चन अगर आपके पास हार्ड आ रहा है या फिर डिफ़िकल्ट आ रहा है, तो वहाँ पर आप पूरे एग्ज़ाम में आप स्ट्रेस पे ही रहोगे। तो पहले इजी पर करो, फिर बाद में लास्ट पे करो। ओके, और सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पर कि मॉक टेस्ट देना। जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतने ही ज़्यादा अपने आप को लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, अपने आप को क्लैरिटी मिलती चल जाएगी। जितनी क्लैरिटी आप लोगे उतना ही आप अच्छा यहाँ पर फील करोगे। ओके, और एग्ज़ाम से पहले आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, जैसे आपके पास क्या क्या यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो एग्ज़ाम में आने वाली है वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, है ना। तो ताकि वो बेनिफिशियल हो जाएगा आपके, जो चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही उसको प्रिपेयर कर लो। जैसे एडमिट कार्ड से पहले पहले आप उसको पहले बना के रख लो, है ना। ज़रूर ना हो कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले एग्ज़ाम के दिन आप ढूंढ रहे हो कि मेरे पास एडमिट कार्ड निकालना है, ऑब्वियसली वहाँ से आपको स्ट्रेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो रिलैक्स रहना है इस वजह से। तो दैट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे इंपॉर्टेंट काम है मॉक टेस्ट देना, क्योंकि जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतनी आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल आपको पहले से पता होगा, और वहाँ से जब आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, जब वो खुद पे कॉन्फिडेंस होगा तो उतना रैंक भी आपका अच्छा होता चला जाएगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट विद अनअकैडमी आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट से यहाँ पर एटलीस्ट 50,000 बच्चे जो हैं वो इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को देने वाले हैं। और इस समय पर लास्ट मोमेंट पे हम लोग हैं, क्योंकि 30th of January लास्ट मॉक टेस्ट है, दैट विल बी ऑन 9 AM। और इसमें आपको जो मॉक टेस्ट है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से इन्होंने बनाया है, साथ साथ में ये पूरा सिलेबस को कवर करता है, और बिल्कुल ऐसा है मॉक टेस्ट जैसे पूरा एक्चुअल एग्ज़ाम की सेटिंग है, बिल्कुल ऐसा आपको फील करता है। सो दिस विल वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। और बिकॉज मैंने बताया है कि एटलीस्ट 50,000 बच्चे जो है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देने वाले हैं, तो इस वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आपको पहले से पता होगा कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है। इट इज़ लाइक अ मिनी गेट, है ना। तो दैट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर कौन से एरियाज है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन का आपको प्रॉपर एनालिसिस भी मिलेगा, और साथ साथ में वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। एंड अगेन दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है विद अनअकैडमी, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू विद अनअकैडमी। ओके, यू कैन डू दैट। एंड सेकेंडली, ऐसे बच्चे जो गेट 2023 की या 24 की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी से एक बहुत अच्छा ऑफर आपकी तरफ से यहाँ पर आया है, जिसको बोलते हैं जो कि जो भी आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेंगे विद अनअकैडमी, चाहे वो 1 ईयर का हो या 1 ईयर से ज़्यादा हो, राइट, 1 ईयर, 1.5 ईयर और 2 ईयर, कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे विद अनअकैडमी, जहाँ से आपको 10% डायरेक्टली ऑफ यहाँ से मिल जाएगा। तो ये जो ऑफर था ये 3 दिनों के लिए था, विच इज़ 25th January, 26th January एंड 27th January। आज लास्ट डे है, दैट इज़ 26th January, एंड इसको लेने के लिए आप सबसे बेटर काम है मेरा कूपन कोड आप यूज़ करो, विच इज़ Kaushik10। जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे विद अनअकैडमी आपको डायरेक्टली यहाँ से 10% ऑफ मिल जाएगा, एंड दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। यू कैन टेक एनी ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि अनअकैडमी में 2 सब्सक्रिप्शन है, पहला है यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन
और दूसरा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इंडिया के बेस्ट टीचर्स की तरफ से आता है, इंडिया के बेस्ट टीचर्स ने इसको कवर किया है। और जब मैं आइकॉनिक पे जाता हूँ तो आइकॉनिक में कुछ स्पेशल है। स्पेशल ये है कि यहाँ पर एक मेंटर हमेशा आपके तरफ साथ रहेगा, तो ऑब्वियसली आपको बेस्ट टीचर्स के साथ सपोर्ट मिलेगा और साथ साथ ही बेस्ट मेंटर्स का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो मेंटर में जब भी आपको लगता है किसी फील्ड पर, अगर कहीं पर मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे नोट्स की ज़रूरत है, या फिर मेरे से नोट्स मतलब आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या फिर आपको कोई भी किसी तरह के मोटिवेशन वाला हेल्प है, तो मेंटर हमेशा उसको हमेशा साथ रहेगा। तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले विद इन अकेडमी, चाहे प्लस ले या आइकॉनिक ले, जस्ट यूज़ माई कूपन कोड कौशिक10 और कौशिक10 से आपको 10% ऑफ यहाँ से मिल जाएगा। ओके, एंड सेकेंडली अनअकैडमी से एक ऑफर होता है, एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बैट। तो कॉम्बैट जो है हर एक संडे को होता है और इसके अंदर बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं बच्चों को। जो कॉम्बैट होता है वो एवरी संडे को होता है, एट 11 AM पर होता है। 1 आवर का एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं। आप किसी भी ब्रांच से हो, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, कंप्यूटर साइंस हो, आप किसी भी ब्रांचेस से हो, अब सभी एग्ज़ाम्स हर एक साइड अब से आप यहाँ से कॉम्बैट आप दे सकते हो। आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। सो इट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ से बहुत सारे स्कॉलरशिप मिल सकते हैं, एटलीस्ट 4 करोड़ तक की स्कॉलरशिप बच्चों को यहाँ पर मिलने वाली है। और बिकॉज इसकी तरफ से बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, जैसे सैमसंग टैब आपको मिल सकता है, JBL स्पीकर आपको मिल सकता है, या फिर अमेजोन वाउचर आपको मिल सकता है, या फिर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है विद अनअकैडमी। तो इसके लिए आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ्रेंड्स को बोलो कि आप अनअकैडमी कॉम्बैट को एग्ज़ाम को दो और देखो कि आप किस लेवल पर हो, और इसकी वजह से बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे एंड दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरा प्रोफाइल है ऑन अनअकैडमी विच इज़ हिमांशु कौशिक। लिंक इज़ anacademy.com/lectures/himanshu। जस्ट यूज़ दैट। जब भी मेरे कोई क्लास होगी, राइट, जब भी मेरे कोई स्पेशल क्लासेस होती हैं, मैं सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और मेरी क्लासेस अब अनअकैडमी पर है, सो प्लीज़ ज्वाइन अनअकैडमी एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन दिस प्रोफाइल विद हिमांशु कौशिक। सो आई होप जो सेशन है जो आपको अच्छी लगे, एंड कोई भी सजेशंस हैं आप मुझे बता सकते हैं। माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक एंड आई होप यू लाइक द सेशन एंड थैंक यू सो मच।